जमशेदपुर पोर्ट का प्रखंड मुख्यालय में श्रम पदाधिकारी का कार्यालय हमेशा बंद रहता है। जब किसी समस्या को लेकर आम जनता और मजदूर आते हैं तो मुलाकात नहीं हो पाती है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष तारनी सेन मांझी ने कहा कि हमेशा श्रम विभाग के पदाधिकारी का कार्यालय बंद रहता है। जो भी लोग श्रम विभाग के पदाधिकारी से मिलने आते हैं उनका कार्यालय हमेशा बंद रहता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे पदाधिकारी पर जाँच कर कार्रवाई करें ताकि आम जनता को दिक्कत ना हो। मामला तो ये है सर, जो हमारा श्रम विभाग के जो लेबर इंस्पेक्टर जो है, आज हमारा जब यहाँ से नया हमारा कार्यालय ओपन होने के बाद से कार्यालय आज जब भी आते हैं हमेशा यहाँ तालाबंदी रहता है। बहुत सारे लोग क्षेत्रीय से लेबर लोग पूछते हैं भैया श्रमिक विभाग का इंस्पेक्टर कहाँ बैठता है, कोई किसी ने बता नहीं पाता है, कोई बोलते वहाँ बैठता है, कभी यहाँ बैठता है, लेकिन हमेशा यहाँ तला रहता है। हम जब भी आते हैं हमेशा कंटिन्यूस का तला बंद रहता है, और कैसे लेबर लोग का काम करता है, कैसे क्षेत्र में काम करता है, हम लोग को कोई इसका हम लोग को मतलब मैंने इनका अनुभवी विचार जो है ये जिला में अपने लोगों को क्षेत्र के लोगों को जुड़ करके जो है वोट का क्षेत्र के लोगों को जुड़ करके अपने जिला में काम करते हैं। जो प्रखंड में बैठ के काम करना चाहिए, जो प्रखंड के क्षेत्र के लोगों को मजदूर के लोगों को यदि काम अवगत नहीं कर पाएंगे तो जिला में कैसे काम करेंगे। जब यहाँ का मजदूरी उसको नहीं पहचान पाया कि हमारा श्रम विभाग के लेबर इंस्पेक्टर लेडीज है या जेंट्स है या बूढ़ा है या बुजुर्ग है, उसको पहचाने ही नहीं है तो हमारा जनता का काम कैसे काम करेंगे। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोले कि हमारा ऑफिस खोले, हमारा ऑफिस खोल कर श्रम विभाग के जो लेबर इंस्पेक्टर है लेबर के जो दुख दर्द है उस काम को अपना काम करे और ऑफिस में बैठे, और नहीं तो इनके जो है हमारा एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी का और जो घोर आंदोलन करेंगे। ये बोलकर अपना वक्त को समाप्त।